जब हम लोग यही मांग के लिए जदयू कार्यालय पर आवेदन देने गए हैं, वहाँ से प्रशासन के द्वारा हम लोग महिला को, महिला थे और जेंट्स भी थे, महिला को भी जेंट्स कॉन्स्टेबल से खदेड़ाया गया है। नीतीश बाबू के कार्यालय, हाँ नीतीश बाबू, एक जगह नीतीश जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी, हम लोग को तो आप जेंट्स से कार्यालय में बोला जाता है बेटी को मार के भगा। कोतवाली थाना के प्रशासन आता है, डीएसपी कोतवाली थाना के आते हैं और हम लोग को रगेद रगेद के आर ब्लॉक गुलामर तक रगेदा जाता है, उसको छोड़िए छोड़िए, लेकिन एक घंटा आधा घंटा करते करते चलान करके उसको जेल भेजा दिया गया। तो किस लिए हम लोग को सरकार बोलती है कि बेटी प्रशासन नहीं पकड़ पाती है? प्रशासन पकड़ती है किसको? जो रोजगार मांगने जाता है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो हक की लड़ाई से आवाज उठाते हैं, सरकार सिर्फ उसको पकड़ रही है। सरकार ऐसे पत्रकारों को भी पकड़ती है जो मुखर होके सरकार के विरुद्ध अपनी आवाजों को बुलंद करता है। विधानसभा में लगातार हंगामा होता है, मगर विधानसभा में ये चर्चा कब होगा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा? तेजस्वी यादव जी बोले थे, अगर हम सत्ता में आते हैं तो पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने डंके की चोट पर बोला था। तेजस्वी यादव जी सत्ता में भी आ गए और डिप्टी सीएम का पद भी उन्होंने ग्रहण कर लिया है। अच्छे खासे दिन हो गए। अभी हम गर्दनी बाग में हैं, यह वही गर्दनी बाग है जहां तमाम बेरोजगार युवा आके अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि यही युवा यहां से कुछ दूर अगर विधानसभा का घेराव करने जाते हैं, इन्हें पुलिसिया तंत्र के द्वारा लाठी डंडे खाना पड़ता है। यही युवा अगर रोड पर उतर जाते हैं तो सरकार बोलती है यह लोग अच्छे तरीके से अपनी मांगों को नहीं रख पा रही है। हम आपको जिक्र देते हैं, यह युवा पिछले कई दिनों से गर्दनी बाग में और यहाँ पीछे वार्ड सचिव 90 दिन से ऊपर हो गए हैं, वह भी गर्दनी बाग में हैं। अगर सोच लीजिए, यह वार्ड सचिव अगर 90 दिन से अगर रोड पर रहते तो क्या से क्या हो जाता। अभी हम गर्दनी बाग में हैं, तमाम युवा यहाँ पे अपनी रोजगार के लिए बैठ गए हैं सड़क पे। नीचे दरी भी नहीं, आप देख सकते हैं लगातार युवा किस तरह से बेरोजगार होके सड़कों की खाक छानते हैं। इधर महिला देख लीजिए, उधर पुरुष देख लीजिए। 2011 का इन लोगों का विज्ञापन है, इन लोगों का कहना हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही, क्या कुछ है थोड़ा सा समझाइए। ये हम लोग का जो 2011 में विज्ञापन निकला था गिरिराज चवानी का, उसमें हम लोग फॉर्म डाले थे। 12 साल के बाद 2022 में बहाली ली गई। बहाली में हम लोग जितना भी भाग, यानी कि 11 में विज्ञापन आया, अब 12 साल बाद इसकी बहाली ली गई, यानी कि 12 साल बाद सरकार को लगा कि हमको बहाली करना चाहिए। हाँ, हमको बहाली लेना चाहिए। 12 साल के बाद सरकार एक बैग जाग गया। हाँ। और हम लोग को बहाली लिया गया। हाँ। हम लोग जब हम लोग फॉर्म डाले थे, हम लोग का शादी नहीं हुआ था। हाँ। आज हम लोग बाल बच्चे वाले हैं। हाँ। और हम लोग बाल बच्चा के छोड़ के कड़ी से कड़ी मेहनत करके दौड़े हैं, दौर में सफल हुए हैं। हाँ। सरकार के शर्त अनुसार हम लोग सारा चीज में सफल हुए हैं, यानी कि सरकार का जो टर्म कंडीशन था उसके अनुसार आप लोग पूरा एकदम क्वालिफाइड है। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्वालिफाइड है, मेडिकल भी कंप्लीट है, सारा चीज में क्वालिफाइड है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सरकार हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रही है। हाँ। जो हम लोग को जिला में 220 सीट थी 2011 में। सरकार तो भाई अब देख सकते हैं, गांधी मैदान में भी सबको बोल रहे थे कि हम सबको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो आप लोग का नियुक्ति पत्र नहीं बांटा गया? नहीं, एक मिनट सुनिए। और गया में भी 220 सीट थी, लेकिन गया में 409 सीट बढ़ा दिया गया, 629 सीट करके अभी कर लिया जा रहा है। और हम लोग जितना भी भोजपुर है, आरा है, जहानाबाद है या भागलपुर है, ये सब जिला में जितना सीट था 2011 में उतना ही पे लिया गया है। तो सरकार ऐसे क्यों करेगा दो रगन? जैसे हम लोग भी तो सरकार का दोहरी मानसिकता है। क्यों? गया में जब सीट दिया गया है तो हम लोग को जिला में भी सीट चाहिए। और जब हम लोग यही मांग के लिए जदयू कार्यालय पर आवेदन देने गए हैं, वहाँ से प्रशासन के द्वारा हम लोग महिला को, महिला थे और जेंट्स भी थे, महिला को भी जेंट्स कॉन्स्टेबल से खदेड़ाया गया है। राजद कार्यालय, राजद नहीं, जदयू कार्यालय, नीतीश बाबू के कार्यालय। हाँ नीतीश बाबू, एक जगह नीतीश जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ। अरे नीतीश जी, हम लोग को तो आप जेंट्स से कार्यालय में बोला जाता है बेटी को मार के भगा। कोतवाली थाना के प्रशासन आता है, डीएसपी कोतवाली थाना के आते हैं और हम लोग को रगेद रगेद के आर ब्लॉक गुलामर तक रगेदा जाता है, हम लोग को वहाँ पे भागते हैं हम लोग। उसमें से भी एक दो कैंडिडेट को उठा के थाना में रख लिया गया। हम लोग सभी जिला के थे, जितना भी 25-26 जिला के थे, सब बैठे हुए रह गए थाना के पास। हमारा जो कैंडिडेट को आप अरेस्ट करवाए हैं उसको छोड़िए छोड़िए, लेकिन एक घंटा आधा घंटा करते करते चलान करके उसको जेल भेजा दिया गया। तो किस लिए हम लोग को सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी अगर हक मांगने जाए तो उसको जेल भेजा दीजिएगा, तो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, यानी नौकरी मांगिए, डंडा खाइए और जेल भी जाइए। ताकि हम लोग कोई हंगामा नहीं किए हैं। 22 फरवरी का जो जदयू कार्यालय पर कार्यालय के पास का सीसी
कैमरा है उसे देखा जाए। हम लोग कोई हंगामा नहीं किए हैं, बहुत आराम से, कोई नाराबाजी नहीं थी। हम लोग आवेदन देने गए थे, अचानक से जदयू कार्यालय वाला हम लोग से बात कर रहा है, करते करते अचानक से प्रशासन आ जाता है 5 मिनट के अंदर। और प्रशासन आते ही दूसरा गाड़ी DSP साहब का आता है और दरोगा जी जो है हम लोग को बोल रहे हैं निकलिए निकलिए, हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन DSP अपना गाड़ी से कूद के कॉलर धर के हमारे आदमी को खींच लेते हैं। कमजोर को देख लीजिए प्रशासन कैसे, शराब माफिया तो इनसे संभलता नहीं है, क्राइम कंट्रोल होता नहीं है, तो भाई किसको हम पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? जो लाचार लोग हैं, जो कुछ नहीं बोल पाते हैं, जो धरना पे देने के लिए बैठते हैं, उनको पकड़ के पुलिसिया तंत्र जाके सलाखों के पीछे धर जाता है। 4 तारीख से देखिए वहाँ पे हम लोग अनिश्चित काल धरना पे गर्दनी बाग में बैठे थे, लेकिन कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिली, इसीलिए हम लोग आवेदन देने चले गए जदयू कार्यालय में। आवेदन देने जाना ही हमारा गुनाह है कि हमारे कैंडिडेट को जेल में 15 दिन के लिए जेल में भेजा गया। यानी अगर आप JDU कार्यालय जाते हैं तो संभल जाइए, जितने भी बेरोजगार युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एप्लीकेशन भी देने जाते हैं तो सरकार के पास भाई पुलिसिया तंत्र है, आपको सलाखे के पीछे डाल दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे भाई बंधु है, इनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? आपके साथियों को तो जेल में जाकर ठूस दिया। हाँ सही बात है, तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग तो इसी तरह करेंगे, क्या करेंगे, फिर हंगामा करेंगे। बोलिए, ऐसा सरकार को रख कर क्या करेंगे जब हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, हर चीज में सरकार बदल जाता है, पर नीतीश बाबू का कुर्सियां नहीं बदलता है, कुर्सियां नहीं, हाथ में तो लड्डू है, हाथ में उनको लड्डू है। मान लिया हम लोग इतना नियुक्ति में हम लोग का इतना लिया गया है, हम लोग सब फाइनल अभ्यर्थी हैं होमगार्ड का सर। हाँ। हम लोग मांग के लिए सिर्फ आते हैं, इन्हें कि हम लोग चोरी करके यहाँ उनको आवास पर जाते हैं, अब फिर भी हम लोगों का पकड़ कर जेल भेज दिया जा रहा है, ऐसा सरकार को करना चाहिए कभी? सगरो शराब पी रहा है, शराब बेच रहा है, उनको पूरा अरेस्ट हुआ हर जगह पे, नहीं हुआ है, ऐसा करते हैं हम लोगों के साथ गलत। जी आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं, बोलिए क्या बोलना चाह रहे थे सर? हम लोग को नियुक्ति सरकार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का 12 साल सरकार बर्बाद करी है, तो सरकार हम लोग अपना बच्चे को छोड़ छोड़ के 4 तारीख से अनिश्चित काल धरना चला रहे हैं। नीतीश बाबू का तो एक दिन बर्बाद नहीं होता, वो कहीं भी रहते CM वही बन, हाँ CM वही बन रहे हैं, तो हम ही लोग के कारण CM बने हैं, हम ही लोग उनको वोट दिए हैं तब CM बने हैं, क्योंकि वादा किए थे बेटी को बहुत आगे बढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, बेटी को शिक्षित बनाना है, तो बेटी खाली पढ़ेगी लिखेगी शिक्षित बनेगी, घर में चूल्हा फूकेगी, अब घर में सास ससुर से मार खाएगी, रोजगार दीजिएगा हमको, हम लोग भीख मांग रहे हैं, मेहनत पढ़ा लिखा के बेटी को नीतीश जी सड़क पे डाल दिए हैं, और उसके बाद डराया धमकाया जाता है पुलिसिया तंत्र के द्वारा, अगर आप हमारे पास आओगे तो हम तुम्हें सलाखों के पीछे डाल देंगे। और इन लोगों पे लगभग कितने लोगों पे FIR हुआ है सोच सकते हैं? 7-8 नामजद हैं और 45 अज्ञात लोग हैं, तो सोच लीजिए यही सब है। अगर जाओगे बाबू इस बार JDU कार्यालय तो फिर हम तुमको जेल में डाल देंगे, और जेल में जाओ, जेल के बाहर कौन रहेगा? जो बाहुबली है, जो सत्ता के लोगों से पहुँच है। अरे भाई आप जेठलियू कांड देखे, पुलिस के सामने किस तरह गोलियों से लोगों को मारा गया, पर उसे प्रशासन नहीं पकड़ पाती है, शराब माफियों को प्रशासन नहीं पकड़ पाती है, प्रशासन पकड़ती है किसको? जो रोजगार मांगने जाता है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो हक की लड़ाई से आवाज़ उठाते हैं, सरकार सिर्फ उसको पकड़ रही है। सरकार ऐसे पत्रकारों को भी पकड़ती है जो मुखर होकर सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ों को बुलंद करता है। धन्यवाद।